यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ के बाद अब लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। और यही वजह है कि जहां एक ओर जिला प्रशासन के सामने बाढ़ से निपटने की चुनौतियां हैं, तो वहीं बाढ़ पीड़ित लोगों को बीमारियों से बचाने का भी काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा त्वचा की बीमारी के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायतें भी काफी ज्यादा हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हर उन इलाकों में कैंप लगा रहा है जहां पर बाढ़ आई हुई है और एक एक मरीज की जांच की जा रही है और मौके पर ही उनको दवाइयां भी दी जा रही हैं। वहीं जिस मरीज की हालत ज्यादा खराब होती है उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा रहा है। एज पर द डीओ ऑर्डर्स हमें यहाँ पे बताया गया था कि आपको कैंप ऑर्गेनाइज करना है और जितने भी बाढ़ग्रस्त लोग हैं उनकी हमें जिनको भी कोई समस्या है, जो भी शारीरिक समस्या है, उनका हमें निदान करना है। तो हम इसलिए यहाँ पे हमने कैंप लगाया है और इसमें हमने 65-70 के करीब अभी पेशेंट देख लिए हैं और ज़्यादातर स्किन के पेशेंट और फीवर के, बैकएक, लेग पेन्स, इस तरह की ज़्यादा शिकायतें हैं। बाकी जो रूटीन की जो इनकी बीमारियां हैं, जैसे लिकोरिया है या किसी को ब्लीडिंग है, तो उस तरह के भी केसेस आ रहे हैं सामने हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर फीवर बॉडी के हैं। जी, दवाइयां मिल रही हैं, पूछ पूछ के दिया जा रहा है किसको क्या परेशानी हो, उनको दवाइयां दी जा रही हैं। मुझे खुद दवाई दी गई है, संस्मनी बटी, दो दो गोली सुबह शाम। समस्या क्या है यहाँ पे लोगों को ज्यादा, किस चीज़ की बीमारी? ज्यादा तो कमर दर्द और खुजली की समस्या और छाले वगैरह हैं। बुखार भी है? बुखार भी है जी। तो इलाज चल रहा है? जी, इलाज चल रहा है, बुला बुला के बोला जा रहा है दवाइयाँ ले लीजिए, और हमारे बीच में ही आके दवाइयाँ दी जा रही हैं। यहाँ आगे भी बैठे हैं, एम्बुलेंस भी आ रखी है यहाँ पर। गौरतलब है कि जिले में कॉलोनियों समेत 32 गांव में बाढ़ आई हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाढ़ से कई लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।